नमस्कार, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सबके लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के द्वारा एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, एक बड़ा आईटी जॉब फेयर जो है आयोजित किया जा रहा है। ये किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है, अपनी यूनिवर्सिटी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की आने वाली और अदर सारी यूनिवर्सिटीज़ प्लस और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स योजनाएं हैं उनको तुरंत आप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है रोजगार मेला, क्या है आईटी जॉब फेयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा आईटी जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और जोधपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कहाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। ये 11 से 12 नवंबर दो दिन आईटी जॉब फेयर जो है, आईटी रोजगार मेला, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे इंडिया की 200 बड़ी कंपनियां आ रही है। रोजगार सीकर्स जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं आईटी के फील्ड में, वो जा सकते हैं, जिसमें सामान्य आपकी दक्षता, आपकी कैपेसिटी, आपकी स्किल जो है वो देखी जाएगी। तो कौन कौन से सेक्टर है, उस सेक्टर्स पर हम बात करते हैं। आईटी एंड आईटीईएस, एक तो आईटी सेक्टर हो गया, दूसरा पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम पंप वगैरह उस पर जो आईटी के छोटे मोटे काम हैं उसके लिए भी। इसके अलावा है कुछ इंजीनियरिंग के लिए, बीपीओज, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कंसल्टिंग फील्ड में, ठीक है, एंड बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड में, बैंकिंग और फाइनेंस में भी है, रिटेल फील्ड में भी है और टेलीकॉम सेक्टर में भी जो है आपको रोजगार के अवसरों की संभावनाएं हैं। तो जिसको जो छोटी मोटी कहीं अन्य जो हम कहें कि ऑथराइज सेक्टर है या उस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको वहां जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खंगालना चाहिए, मौका देना चाहिए अपने आप को। क्या प्रोसेस होगी आईटी जॉब फेयर, करना क्या होगा आपको, एक वेबसाइट है itjobfair.rajasthan.gov.in, इस पर जाना है, इस साइट पर जाना है। इसमें हो सकता है कि आपको साइट जो है एकदम क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो इस पीडीएफ को जो है, ये एग्जैक्ट गवर्नमेंट की पीडीएफ है, इस पीडीएफ को अपनी यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। itjobfair.rajasthan.gov.in पर जाना है आपको। फिर क्या करना है, उस पर रजिस्टर एज कैंडिडेट पर क्लिक करना है, रजिस्टर एज कैंडिडेट पर क्लिक करना है और जरूरी जानकारी को आपको, छोटा सा एक कॉमन फॉर्म है उस फॉर्म को आपको भरना है। वो भर देंगे तो उसके बाद में हो सकता है कि चलाकर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपके पास कंपनियों का कॉल भी आ सकता है, प्लस आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज राजस्थान का, जो जोधपुर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 11 से 12 नवंबर आप वहां जाकर रोजगार के अवसरों की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस आईटी जॉब फेयर के बारे में, आईटी रोजगार मेले के बारे में कुछ भी अदर जानकारी चाहिए, तो आपको 181 नंबर पर टोल फ्री नंबर है, इस पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक्सप्लोर द फ्यूचर दोस्तों, संभावनाएं अच्छी है, आपको जाना चाहिए। ये जो इस साल का जो राजस्थान डिजी फेस्ट है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, जोधपुर में आयोजित हो रहा है। तो राजस्थान डिजी फेस्ट के अकॉर्डिंग या के तत्वावधान में जो है आईटी जॉब फेयर का आयोजन 11 से 12 नवंबर को किया जा रहा है। नो योर जॉब सर्च इज मेड इजी विथ आईटी जॉब फेयर। आप जॉब सर्च करते हैं तो आपके लिए ये काम बहुत इजी हो जाएगा। 200 प्लस बड़ी कंपनियां जो है इसमें आने वाली है। सेक्टर वही है जो अभी बताया था, बीपीओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, सारे टेलीकॉम, रिटेल, पेट्रोलियम, कंसल्टिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। 16,000 प्लस कैंडिडेट, कितना है, 16,000 प्लस कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड इन प्रीवियस जॉब फेयर। राजस्थान सरकार आपको पता है कि पहले ही डिजी फेस्ट का आयोजन कर रही है, तो इसके पूर्व जो आईटी जॉब फेयर हुए हैं उसमें 16,000 लोगों को नौकरियां मिली है दोस्तों। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें आपको जाना है, इसमें सारी आपको डिटेल जो है वहां पर बाकी मिलेगी।
तो इस प्रकार दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो जॉब सीकर हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ छोटी जॉब करना चाहते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस है मैं कहूँ तो वहाँ पर जाना चाहिए। अगर आपको जॉब प्राप्त नहीं करनी है तो भी आपको वहाँ पर जाना चाहिए। कई बार क्या है, वहाँ पर जाने से हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए नहीं तो आपके कोई दोस्त है उसके लिए भी वहाँ पर अच्छा मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 11 से 12 नवंबर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का, रोजगार के सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, आपको जरूर जाना है। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।